हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नम्स रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ वेज पिज़्ज़ा, जो घर पर आसानी से हम बना सकते हैं और बिना ओवन के बनाएंगे। और हम अपना ओवन घर पे ही तैयार करेंगे, मतलब हम कढ़ाई की सहायता से बनाएंगे इसको। और बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है गर्म पानी, इसमें 1 टेबल स्पून 1 चम्मच मैं डालूंगी ड्राई ईस्ट। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके पास ये नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं बेकिंग पाउडर, उसके साथ में बेकिंग सोडा। और ये 1 टेबल स्पून डालूंगी यहाँ पे शुगर, इसको हम मिला लेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, तो 2 कप मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ। बेकिंग पाउडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और उसके साथ में 1/3 टेबल स्पून डाल दीजिए आप बेकिंग सोडा। आपको सेम ईस्ट के जैसा काम करेगा वो, और अच्छे से बन भी जाएगा। और यहाँ पे 1/3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, नमक, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसको गूँथना ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको इसका बनाना है पिज़्ज़ा बेस। तो इसको मिला लेंगे और अच्छे से इसका डो तैयार करेंगे, इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। तो इसके बाद जितना हमको पानी और लगता है, हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो हमको बहुत लूज़ नहीं बनाना है, बहुत टाइट भी नहीं करना है, एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। इस तरह से ये तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऑयल इसमें हाथ में लेकर के थोड़ा लगा लेंगे इसमें। और ये जब डो तैयार हो जाए तो हम इसको रखेंगे एक थोड़ा सा गर्म एरिया में, रखेंगे ढक करके रखेंगे इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए, फूल करके डबल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए ये। और इसको अच्छे से ढक करके हमको 1.5 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए हमको इसको रखना है। 1 घंटे के बाद जब मैं इसको देख रही हूँ तो ये फूल करके डबल ट्रिपल हो गया है। तो ये देखिए, देखिए कितना फूल गया है, ये तैयार हो गया है। हम इसका बनाएंगे बेस, पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे हम। तो इसको 2-3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे और फिर 1 पार्ट लेकर के हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हम अपना ओवन तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें सॉल्ट डालेंगे 1 कप, और इस तरह से एक स्टैंड लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में गर्म करने रखेंगे। तब तक हम बेस स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा का। अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे। हमको मोटाई बनाना है, जैसे हम आलू पराठा या गोभी पराठा जैसा बनाते हैं, तो जितनी मोटाई का हमारा पराठा बनता है, हमको उसी मोटाई का इसको भी बेलना है। तो ये देखिए, ये तैयार हो गया है। ये अब इसको क्या करेंगे, हम फॉक की सहायता से इसमें हम छेद लगाएंगे, ताकि ये फूल करके ओवर ना हो जाए जब हम इसको पकाना स्टार्ट करें। तो फॉक के थ्रू इसको हम इस तरह से छेद कर लेंगे। ये बेस हमारा तैयार हो गया है। अगर आपके पास जैसा भी प्लेट हो, मेरे पास इस टाइप का प्लेट है, तो हम मैं इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ मैं, तो आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो आप लगा लीजिए, या आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो चारों तरफ से अच्छे से फैला करके लगा लेंगे।
और चीज़ स्प्रेड करेंगे हम। तो चीज़ को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है और इसमें हम जितना आपको चीज़ जितना पसंद है आप उतना ही इसमें डाल सकते हैं। और आपके पास जो भी वेजिटेबल हो, जैसे शिमला मिर्च आपके पास अगर है ग्रीन कलर का, रेड कलर का या येलो कलर का, आप वो सब डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे प्याज इस तरह से कट करके फिर उसके बाद इस तरह से कैप्सिकम मतलब लगा रही हूँ, इस तरह से डाल रही हूँ, और टमाटर इस तरह से कट करके डालेंगे हम। और चिली फ्लेक्स यहाँ पे थोड़े से स्प्रेड कर देंगे। चिली फ्लेक्स मार्केट में मिल जाता है बट घर पे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मिक्स हर्ब भी डालेंगे हम इसमें, ये मार्केट से ख़रीदा हुआ है मैंने। और चिली फ्लेक्स मैंने घर पे बनाया था। जो खड़ा वाला आपके पास मिर्च होता है आप उसको कूट लीजिए, उसको थोड़ा सा पीस लीजिए दरदरा, वो बन जाता है चिली फ्लेक्स। ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें इसको कढ़ाई में रखेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम पकने देंगे लो फ्लेम पर। ढक करके पकाएंगे हम इसको। पंद्रह मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे ये पका है या नहीं। तो 15-20 मिनट इसको लगता है। ये देखिए 15 मिनट के बाद आप देख पा रहे हैं ये पक गया है और डबल भी हो गया है, ये बन करके तैयार हो गया है। 20 मिनट लगा है मुझे इसको पकाने में। हम इसको प्लेट से बाहर कर लेंगे। हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो मैं नाइफ़ के थ्रू ही इसको कट करूँगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है, डोमिनोज की तरह ये बना है, देख पा रहे हैं हम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।